हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उपचार नुस्खे में। दोस्तों, हम उपचार नुस्खे चैनल में रोज एक नया वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब और लाइक करें। फ्रेंड्स, आज हम बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है घर दुकान में मौजूद ये पांच चीजें करवाती हैं पैसों का नुकसान। लगातार पैसों का नुकसान करवाती हैं घर दुकान में ये चीजें। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले परंतु अपने धन को संभाल कर नहीं रख पाते। न चाहते हुए भी उन्हें लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है। ऐसी स्थिति में इसका कारण समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं पर फिर भी उन्हें उसका उचित फल नहीं मिल पाता। कई बार लगातार पैसों के नुकसान का कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। ऐसे में लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए घर में कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके संबंध में वास्तुशास्त्र में कई बातें बताई गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मकड़ी के जाले की। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर और दुकानों में साफ सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए। जिस घर में साफ सफाई नहीं होगी वहाँ मकड़ी के जाले तो बनेंगे ही, और ऐसी जगह माँ लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं होती और वहाँ पैसे की परेशानी हमेशा बनी रहती है। जहाँ मकड़ी के जाले हों उस घर के लोगों का दिमाग काम नहीं करता और वे हमेशा किसी दुविधा में रहते हैं। इस वजह से वे सही से निर्णय भी नहीं ले पाते और हमेशा असफल रहते हैं। घर में मकड़ी के जाले होने से आलस्य बढ़ता है और घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर का बहुत बुरा असर पड़ता है। नलों से पानी का टपकना। घरों में नल से पानी का टपकना एक आम बात है, इसलिए सभी इसे अनदेखा करते हैं। परंतु नल से पानी का टपकना वास्तुशास्त्र में आर्थिक नुकसान का बहुत बड़ा कारण है। घरों और दुकानों के नल यदि खराब हों तो उसे जल्द ही सही करवा लें, क्योंकि वास्तु के नियम के अनुसार नल से पानी टपकना धीरे धीरे धन के खर्च होने का संकेत है। घरों दुकानों में न रखें कूड़ा। घरों में कबाड़ इकट्ठा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। टूटा हुआ पलंग, बर्तन या कोई अन्य लकड़ी का सामान भी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे धन लाभ में कमी आती है और खर्च भी बढ़ता है। छत पर या सीढ़ियों के नीचे कबाड़ इकट्ठा करना भी आर्थिक नुकसान का कारण है। घरों और दुकानों में धन रखने की सही दिशा। यदि आप चाहते हैं कि आपके पैसों का नुकसान न हो तो आप जिस तिजोरी में धन रखते हैं उसे आप दक्षिण दिशा में इस प्रकार रखें कि इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे। धन वृद्धि के लिए यह दिशा सबसे शुभ मानी गई है। जल निकासी की दिशा। जिनके घर या दुकानों में पानी की निकासी दक्षिण या पश्चिम दिशा में होती है उन्हें धन की समस्या के साथ साथ और भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा में जल की निकासी को आर्थिक दृष्टि से शुभ माना गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।